हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले जिला परिषद अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर बड़ा तोहफा दिया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2023 से दिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में भाजपा के 9 साल पूरे होने पर मीडिया से बातचीत करते हुए दी। पहले मेयर को 20,500 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार सीनियर डिप्टी मेयर को 16,500 रुपये से बढ़ाकर मानदेय 25,000 रुपये कर दिया है। डिप्टी मेयर का मानदेय भी 13,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। नगर निगम में पार्षदों का मानदेय 10,500 से बढ़ा करके 15,000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार नगर परिषद अध्यक्ष का मानदेय 10,500 से बढ़ाकर 18,000 रुपये, उपाध्यक्ष का 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये मानदेय कर दिया गया है। नगर परिषद में पार्षदों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर सीधा 12,000 रुपये कर दिया है। नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये और पार्षदों का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद अध्यक्षों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए उनके मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी की है। उन्होंने 10,000 से बढ़ाकर जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 20,000 रुपये कर दिया है। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 7,500 रुपये से बढ़ाकर दोगुना करते हुए 15,000 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार सदस्यों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा पंचायत समिति के अध्यक्षों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया है। उपाध्यक्ष का मानदेय भी पंचायत समिति में 3,500 रुपये से बढ़ा करके 7,000 रुपये किया है। इसके अलावा सदस्यों का मानदेय 1,600 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ 1957 में मातृभाषा सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों और विधवाओं की पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। इसे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया है। परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 42,431 लोगों की वृद्धावस्था पेंशन सम्मान पेंशन बनाई गई है। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2023 से लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा। हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी निकाय के पिछले दिनों में उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने डिमांड रखी थी अपने कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए। तो मानदेय का इस प्रकार से है कि जो जिला परिषद है, उस जिला परिषद में अभी तक उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपये महीना, और अब उनका अगले महीने से 1 नवंबर से, 1 नवंबर से ही ना सर, 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से, क्योंकि उनकी मीटिंग अक्टूबर में हो गई थी, तो उनको आश्वासन दे दिया था। ठीक है, एक महीना और बढ़ गया इसमें, तो 1 अक्टूबर से 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का, 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15, मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन 3.5 से 7, मेंबर 1,600 से 3,000। इस प्रकार से इनका ये सरपंच और पंच का हमने पहले मई में बढ़ा दिया था, ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर इनको पहले मिलता था 20,500, अब इनको मिलेगा 30,000। सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10,500 से 15,000, ये कॉरपोरेशन में। देन म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट 10,500 से 18, वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 12, काउंसलर 7.5 से 12। देन म्यूनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8। इस प्रकार से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सबका मानदेय है, इसको भी उन्हें बढ़ाया है।